हथेली की इन रेखाओं में छिपा होता है धन का राज, जाने किसे कितना और कैसे मिलेगा। हमने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि हाथों की लकीरों से व्यक्ति की किस्मत का पता लग जाता है, अर्थात यह सत्य है कि हाथ की लकीरें कभी झूठ नहीं बोलती। आज के समय में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है और यदि उसके हाथों की लकीरें यह कहती है या बताती है कि उसके जीवन में धन लाभ लिखा है तो उस व्यक्ति को यह जानने की इच्छा रहती है कि उसके हाथों की लकीरें क्या इशारा करती है। आइए जानते हैं कि क्या आपकी हाथ की लकीरों में भी धन लाभ का योग बन रहा है। भाग्य रेखा यदि अनामिका उंगली से मध्यमा उंगली तक स्थित हो, सूर्य रेखा और बुधवार रेखा मस्तिष्क रेखा के पास जाकर एक दूसरे से मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति हर हाल में विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है और अपनी बुद्धिमता से धन कमाने में सक्षम होता है। हाथ की मध्यमा और सबसे छोटी उंगली के नीचे यदि विलय बन रहा हो तो ऐसे जातक पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति बोलचाल में बहुत माहिर होते हैं और धनवान कहलाते हैं। भाग्य रेखा मध्यमा उंगली से जुड़ी हो और सूर्य रेखा अनामिका उंगली से सूर्य पर्वत की तरफ जाती हो तो ऐसा व्यक्ति महाधनी और युग पुरुष कहलाता है। भाग्य रेखा मध्यमा उंगली से शुरू होकर अंतिम पोर तक जाती हो तब ऐसा व्यक्ति बचपन से ही धनवान होने का सुख प्राप्त करता है। हाथ की सूर्य रेखा यदि मुड़कर अंगूठे की तरफ चली जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उच्च कोटि का राजयोग पाता है। आपकी हथेली में सभी उंगलियां उभार लिए हुए हो तो इससे पता चलता है कि आपके जीवन में भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं रहती।